हेलो नमस्कार, मैं हूँ रीना और मैं आज आपको बताऊंगी कि कंसीलर होता क्या है, इस कंसीलर को कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कंसीलर होता क्या है। कंसीलर एक मेकअप प्रोडक्ट है जो हमारे मेकअप को फ्लॉलेस बनाता है। जिनकी स्किन पर ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं, एक्ने की दिक्कत है या ज़्यादा डार्क सर्कल हैं, उनको ये दबाने का काम करता है। देखिए, लोगों को कंफ्यूजन ये रहती है कि कंसीलर पहले लगाएं, फाउंडेशन के पहले कंसीलर लगाएं या फाउंडेशन के बाद कंसीलर लगाएं। देखिए, जिनकी स्किन काफ़ी क्लियर होती है, दाग धब्बे कम, डार्क सर्कल कम, पिंपल्स बहुत ना के बराबर, तो उनको फाउंडेशन के बाद ही कंसीलर लगाना चाहिए। क्योंकि एक बार ही कंसीलर आप लगा लेंगे तो इससे उनकी इवन स्किन दिखने लगेगी, बराबर सी दिखने लगे, इसलिए वो फाउंडेशन के बाद ही कंसीलर यूज़ करें। दूसरी चीज़ है, जिनके दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, पिंपल्स की दिक्कत है, तो उनको सबसे पहले आप कलर करेक्टर का यूज़ करें। तो डार्क सर्कल, जिनको कालापन जो रहता है चेहरे पे, फेस के पास में, तो वहाँ पे अगर आपके पास कलर करेक्टर नहीं है तो आप कोई भी लिपस्टिक का यूज़ कर सकते हैं। आप उसको लगा के छोड़ दीजिए, उसके बाद में फिर अपनी स्किन से मैच करता हुआ कंसीलर लगाइए। फिर थोड़ी देर के बाद में आप स्किन से दो नंबर कम दोबारा फिर से कंसीलर लगाइए, फिर आप फाउंडेशन लगाइए। कंसीलर कई कलर के होते हैं, ऑरेंज, ग्रीन, येलो आदि, लेकिन ये ऑरेंज, ग्रीन और येलो, इन तीन कलर की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये ज़्यादा यूज़ होती है। मैं अब आपको बताऊंगी कि ब्लैक दाग धब्बों पर किस कलर का कंसीलर यूज़ करना चाहिए। ब्लैक कलर के दाग धब्बों पर ऑरेंज कलर का कंसीलर यूज़ करना चाहिए, कंसीलर या कलर करेक्टर। दूसरा नंबर है आपका रेड कलर के, आपके पिम्पल्स हैं या दाग धब्बे हैं, स्किन आपकी रेड है, तो उस पर ग्रीन कलर का कंसीलर यूज़ करना चाहिए। तीसरा चीज़ है कि आपके रेड कलर के पिंपल्स हैं बड़े बड़े से, उनको छुपाना है, तो उसमें येलो कलर का कंसीलर या कलर करेक्टर यूज़ करना चाहिए। तो मैं बताऊंगी कि किसकी स्किन पर किस बेस का कंसीलर लगाना चाहिए। ड्राई स्किन पर क्रीम बेस का कंसीलर लगाना चाहिए, वो हमारी स्किन पर अच्छे से सेट हो जाता है और ड्राई नहीं होता है, फ्लॉलेस लुक देता है, मेकअप का फ्लॉलेस लुक देता है। दूसरी चीज़ है, आपकी अगर स्किन नॉर्मल है या थोड़ी ऑयली है तो उसमें आप स्टिक और लिक्विड दोनों ही कंसीलर यूज हो जाते हैं। मेरे पास ये मेकओवर का प्रोफेशनल कंसीलर है, इसकी MRP 499 है। दूसरा ये कंसीलर मेरे पास सुपर बीबी प्रोलॉन्ग कंसीलर है, इसकी MRP 199 है। ये लाइट शेड एक नंबर का है, वन नंबर का, और ये मेकओवर का 11 नंबर है। ये स्किन से मैच करता हुआ कंसीलर है और ये लाइट शेड देने के लिए है, यहाँ पे स्किन को हाईलाइट करना है, उसका ये कंसीलर है। तीसरा ये कंसीलर मेरे पास ओलिविया का स्टिक कंसीलर है, ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इसकी MRP 199 के करीब है, ये सही से याद नहीं है, उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, आपको वहाँ से सस्ता मिल जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है, कंसीलर कैसे लगाते हैं। तो अगर आपके पास कलर करेक्टर नहीं है तो मेरे पास ये आंखों के नीचे डार्क सर्कल इधर ज़्यादा है, तो मैं सबसे पहले ये एक लिपस्टिक लेती हूँ। सबसे पहले मैं ये एक लिपस्टिक लेती हूँ, ऑरेंज कलर की है, इसको मैं एक फिंगर की मदद से
लगा लेती हूँ। लगाने के बाद में एक स्पंज की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस कर लेते हैं। लगा लिए, अब ये सेट हो गया है। अब इसके बाद में हम मेक ओवर का कंसीलर लेते हैं और ये लगाते हैं। ये मेक ओवर का कंसीलर है, लिक्विड कंसीलर है। अब इसको मैं एक लूज पाउडर से सेट कर दूंगी। दूसरी तरफ इस साइज़ में हम कलर करेक्टर नहीं यूज़ करेंगे, सीधा कंसीलर ही यूज़ करेंगे। तो देख रहे हैं, एक तरफ मैंने कलर करेक्टर लगाया, फिर कंसीलर लगाया, दूसरी आईज में सीधे मैंने कंसीलर लगाया। इस आई आँख में और इस आँख में काफ़ी फर्क दिख रहा है। इसमें एकदम से इवन लुक आया है कंसीलर का, इसमें इतना अच्छा नहीं आया। यहाँ सर्कल वगैरह, इसके फाइन लाइंस वगैरह दिख रहे हैं। तो ये है, अगर आप बेस बना के कंसीलर लगाएंगे तो आपका इवन लुक आएगा, सीधे कंसीलर लगाएंगे तो ऐसा लुक आएगा। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।